हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्ट एसआरएफ और रिसर्च एसोसिएट से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि 2019 में जो है डायरेक्ट एसआरएफ और रिसर्च एसोसिएट के लिए जो है सीएसआर ने एप्लीकेशन मांगे थे। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका लास्ट ईयर 2019 में आया था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ था कि उसकी कुछ सब्जेक्ट्स में जो है वो इंटरव्यू कराया गया था और उसका जो रिजल्ट है वो सीएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे लाइफ साइंसेस का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया गया था और उसी टाइम पे पेंडेमिक आ गया था जिसकी वजह से जो इंटरव्यू है वो रोक दिए गए थे। तो हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो सीएसआर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर निकाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। तो इसके लिए आप बस गूगल पे टाइप करिए सीएसआईआर। जैसे आप सीएसआईआर टाइप करेंगे तो सीएसआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.chirhrdg.res.in, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सीएसआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा लॉगिन हो रहा है, वेबसाइट तो ओपन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सीएसआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया। तो इस पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने पे आपको दिखेगा होल्डिंग सिलेक्शन कमिटी मीटिंग फॉर अवार्ड ऑफ एसआरएफ डायरेक्ट एंड रिसर्च एसोसिएट एंड इशू ऑफ अवार्ड लेटर। जो ये नोटिफिकेशन आया था ये 28 अगस्त को रिलीज किया गया है सीएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे आके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो चलिए हम ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा आपका। तो देखिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इन्होंने जो फाइल नंबर दे रखा है, साथ ही साथ इन्होंने जो डेट है नोटिफिकेशन की वो 28 अगस्त 2020 को मेंशन कर रखी। और देखिए, सब्जेक्ट है होल्डिंग सिलेक्शन कमिटी मीटिंग फॉर अवार्ड ऑफ एसआरएफ डायरेक्ट एंड रिसर्च एसोसिएट एंड इशू ऑफ अवार्ड लेटर रिगार्डिंग। तो ये क्या हुआ, एक सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एसआरएफ डायरेक्ट और रिसर्च एसोसिएट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं और जो अवार्ड लेटर है उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। तो इन्होंने दिया है एसआरएफ डायरेक्ट एंड आरएस सिलेक्शन इज एन एनुअल फीचर ऑफ सीएसआर एचआरडीजी। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हर साल एसआरएफ डायरेक्ट और आरए रिसर्च एसोसिएट के लिए सीएसआर जो है वो एप्लीकेशन मांगता है। अगर आपको एसआरएफ डायरेक्ट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना 2 साल जो है वो कंप्लीट कर लिया है या अगर आपको 2 साल का जो एक्सपीरियंस है तो आप जो है डायरेक्टली एसआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका कोई पब्लिकेशन है कोई भी रेपुटेड साइंस जर्नल में तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो मैंडेटरी होता है एसआरएफ डायरेक्ट के लिए कि आपका जो पब्लिकेशन है वो होना चाहिए एनी ऑथर, चाहे वो फर्स्ट ऑथर हो, चाहे सेकंड ऑथर हो, चाहे थर्ड ऑथर हो, कोई भी ऑथरशिप हो अगर आपके पास तब भी आप जो है सीएसआर एसआरएफ डायरेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो रिसर्च एसोसिएट है इसका भी जो एप्लीकेशन है वो सीएसआर हर साल मांगती है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो मीटिंग है नॉर्मली दीज मीटिंग टेक प्लेस इन दिसंबर मार्च पीरियड। इसके बाद इन्होंने बोला था सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड नवंबर 2019। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि लास्ट ईयर 2019 में ही एप्लीकेशन जो है वो मांगे गए थे। तो इन्होंने बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस जो नवंबर 2019 से स्टार्ट हुए थे एंड आउट ऑफ 19 वी कुड कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस 6 सब्जेक्ट। तो टोटल सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन की वो 19 सब्जेक्ट में जो है एसआरएफ डायरेक्ट और आरए सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन मांगा जाता है, जिसमें सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स में से इन्होंने सिर्फ 6 सब्जेक्ट का जो 6 सब्जेक्ट का सिलेक्शन प्रोसेस वो कंप्लीट कर पाए थे। और वो सब्जेक्ट क्या थे, केमिस्ट्री था 21, केमिस्ट्री 22, केमिस्ट्री 23, केमिस्ट्री 24, इंजीनियरिंग 42 एंड मैथ 51। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो उन्होंने कंप्लीट किया था बाय फरवरी 2020। उसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हम सबको पता है कि फरवरी 2020 के बाद क्या हुआ था, इंडिया में जो कोरोना है वो दस्तक दे गया था और इंडिया में जो कोरोना के केसेस है वो मार्च से आना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया था और उस लॉकडाउन के चलते कोई भी जो काम है वो नहीं हो पाया था। तो इसके बाद इन्होंने बोला है द सिलेक्शन मीटिंग फॉर अदर सब्जेक्ट व्हेन इंटरव्यू प्रोसेस कुड नॉट बी हेल्ड ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला कि मार्च में कोरोना आ गया था, इसकी वजह से जो अदर जो सब्जेक्ट थे जो सिलेक्शन था वो नहीं हो पाया था और जो इशू लेटर अवार्ड लेटर वो भी इशू नहीं हुआ था।
अब इन्होंने बोला है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल 19 सब्जेक्ट एरिया इट इज नाउ बीइंग प्लान्ड टू डू द स्क्रीनिंग और सिलेक्शन थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड क्रेडेंशियल ऑफ कैंडिडेट एज पब्लिकेशन एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इन्होंने बोला है अब उन्हें जो 19 सब्जेक्ट है उन सबको कंप्लीट करना है। अब इसके लिए लोग क्या करेंगे, पहले क्या था कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता था। अब क्या होगा कि आपने जो भी अपना रिसर्च प्रपोजल दिया है उसकी बेस पे, और दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि अगर आपका पब्लिकेशन अगर कुछ अच्छे जर्नल में, अगर आपके दो पब्लिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर एक है तो आपको थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा, या अगर आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी है तो इन सब बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो पहला क्या हो गया, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल की बेस पे आपको सिलेक्शन होगा, दूसरा क्राइटेरिया हो गया पब्लिकेशन या एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया इसे देखा जाएगा और इसकी बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद में बोला था प्रोसेस में भी है ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2020 विद ऑफर लेटर इशूड एक्सपेक्टेडली बाई नवंबर 2020। आप जो ये सिलेक्शन प्रोसेस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सितंबर से अक्टूबर 2022 के बीच इन्हें ये कंप्लीट करेंगे। मींस जितने भी टोटल 19 सब्जेक्ट हैं उनका जो इवेल्युएशन है वो सितंबर टू अक्टूबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये एक्सपेक्टेडली बोल रहे हैं कि मे बी नवंबर 2020 से जो अवार्ड लेटर है वो डिस्पैच कर दिए जाएंगे जो भी सिलेक्टेड होता है। इसका इन्होंने बोला इन दैट सिचुएशन द स्टार्ट डेट कुड बी दिसंबर 2020 और जनवरी 2021। तो इन्होंने अब बोला है कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस होगा, जैसा कि इसमें उन्होंने लिखा है कि सितंबर से जो है वो अक्टूबर के 2020 के बीच ये जितना भी इवेल्युएशन है, जो भी 19 सब्जेक्ट एरियाज हैं उन सबका जो इवेल्युएशन है वो ये सितंबर से अक्टूबर 2020 के बीच कर लेंगे। अब इसके बाद जो ये ऑफर लेटर इशू करेंगे वो एक्सपेक्टेडली है बाई नवंबर 2020। तो ये कोई फिक्स डेट नहीं कि आपका नवंबर 2020 में ही जो अवार्ड लेटर वो आपको डिस्पैच कर दिए जाएंगे। तो इन्होंने एक्सपेक्टेडली बोला है, मीन्स मे बी नवंबर 2020 तक आपको जो अवार्ड लेटर है वो दे दिए जाए। अब इसके बाद इन्होंने बोला इन दैट सिचुएशन द स्टार्ट डेट कुड बी दिसंबर 2020 और जनवरी 2021। तो इन्होंने अभी एग्जैक्टली नहीं बोला कि आपका जो स्टार्ट डेट होगा फेलोशिप का, एसआरएफ डायरेक्ट या आरए का, जो कि दिसंबर 2020 से होगा या जनवरी 2021 से होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि फिक्स डेट नहीं दी है, इन्होंने जो टेंटेटिव डेट दी है दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक जो है आपका जो फेलोशिप है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने ये स्टार्ट डेट दी है, लेकिन ये चेंज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग कितनी जल्दी हुई, कितनी जल्दी उन्होंने जो है अपने इशू लेटर जो है जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट या सिलेक्टेड कैंडिडेट को दे दिए हैं। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया अबाउट द एसआरएफ डायरेक्ट एंड रिसर्च एसोसिएट रिलेटेड एंड द इशू ऑफ दीज अवार्ड लेटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस टाइप की जो वीडियोज है उन्हें मिस ना कर सके और टाइम टू टाइम आप जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।